हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए रेसिपी लेके। रेशमास किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके लिए रेसिपी लाई हूँ सूजी का हलवा। ये मेरे सासू माँ के हाथ की रेसिपी है। मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूँ, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप बहुत तीखे रेसिपी डालते हैं, थोड़ी मीठी की रेसिपी डालिए। तो आज मैंने आपके साथ में मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक छोटी पतीली चढ़ा ली है। एक पाव इतना देसी घी डालेंगे हम इसमें। हमें घी मेल्ट हो जाए तो इसमें तेल डाल देना है। इसमें हम 2 से 3 कटोरी इतना तेल डालेंगे। घी तेल हम थोड़ा गर्म होने की वेट करेंगे, फिर हम इसमें सूजी डाल देना है। सूजी को हमें इस तेल में जरा भून लेना है। पहले हमने इसमें 2 कटोरी तेल डाला था, कम क्वांटिटी लगती है तो इसमें हम और 1 कटोरी इतना तेल डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है ये सूजी, सासू माँ बना रहे हैं आज मेरे। इसको अच्छे से हमें भून लेना है। हमें इसमें करछी चलाते रहना है ताकि हमारे सूजी को दाग ना लगे, जल ना जाए। इसके लिए हम करछी चलाते रहेंगे कंटिन्यूस। हम इसमें 15 से 20 किशमिश डाल देंगे। हमें इसे तब तक के भूनना है जब तक कि हमारी किशमिश फूल ना जाए। उस पे से पता चल जाता है कि हाँ, हमारी सूजी अच्छी तरह से भुना गई है। जब तक हमारी सूजी भून रही थी तो हमने देखिए इलायची के छिलटे निकाल के इसे कूट लिया है हमने। ये देखिए बारीक हो गई है। हमें सब चीज की क्वांटिटी 250 ग्राम रखनी है, शक्कर, सूजी, घी। देखिए माशाल्लाह हमारे सूजी में घी दिखने लगा है। ये देखिए लगभग हमारी सूजी होने लगी है। देखिए हमारे सूजी की जो किशमिश है वो फूल गई है, तो हमारी सूजी हो गई और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। येलो कलर का हमने कटोरी में घोल बना लिया है कलर डाल के। देखो पानी में उसे मिक्स कर देना है। हम हमारे सूजी में 1.5-2 ग्लास इतना पानी डाल देंगे। अब हमें इसमें कलर भी डाल देना है हमारा येलो। अगर आपके पास में खोआ हो तो आप इसमें खोआ भी डाल सकते हैं, मावा कहते हैं जिसे। ये देखिए 3 फूल भर के कटोरी इतनी हमें शक्कर डाल देनी है सूजी के अंदर मिठास के लिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। इसे मिक्स कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। 5 से 6 इलायची थी, उसे हमने पीस लिया था। थोड़ा पानी डाल के इसमें मिक्स करना है हमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें 1/2 कप इतना पानी डाल देंगे। अब हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है, तो हम इसे ढक देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने अखरोट, बादाम और काजू ले लिए, इसे कट कर लिया। ये देखिए हमारी सूजी बनके तैयार है। यम्मी यम्मी सी टेस्टी टेस्टी सी स्वीट रेसिपी हमारी बनके तैयार है। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।